नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आज फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फंड मैनेजर्स। तो फंड मैनेजर जो भी पर्सन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं या जो भी पर्सन फ्यूचर में बीकॉम करके एमकॉम करके ग्रेजुएशन में और एमबीए करते हैं उसके बाद में ये कोर्स होता है फ्रेंड्स फंड मैनेजर का। मतलब आप ग्रेजुएशन कम्प्लीट करके जब पीजी कर लेंगे उसके बाद का ये बहुत ही एक अच्छी पोजीशन होती है कंपनी के अंदर फंड मैनेजर की। तो आज मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ फंड मैनेजर और फंड मैनेजर की सैलरी कितनी होती है और कैसे आप फंड मैनेजर बन सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने इसमें दिखा रखा है टॉपिक फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर क्या होता है, आप सभी लोगों के दिमाग में एक बात आ जाएगी कि फंड मैनेजर एक्चुअल क्या होता है। तो फंड मैनेजर फ्रेंड्स, फंड मैनेजर वो एक डेजिग्नेशन होती है जो आपके फंड को मैनेज करता है। जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है कि आपको कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा शेयर आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो एक्चुअली में फंड मैनेजर क्या करता है कि आपको गाइड करता है, आपको प्रॉपर सजेशन या प्रॉपर आपको नॉलेज देता है कि आपको आपके लिए ये शेयर बेस्ट है, आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, ये शेयर आपके लिए बेनिफिशियल है। और जो सपोज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट रहता है उसमें एक पोर्टफोलियो होता है, तो पोर्टफोलियो में एक शेयर में इन्वेस्टमेंट ना होके 10 या 12 शेयरों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो फंड मैनेजर का एक्चुअली वर्क यही होता है कंपनीज के अंदर कि आपके जो पोर्टफोलियो होता है उसको मैनेज करना, एक नॉमिनल सा चार्जेस आपको पे करना रहता है, उसके बेसिस पे आपको प्रॉपर गाइड मिलता है और आपका जो पैसा है वो सिक्योर रहता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि फंड मैनेजर को अपॉइंट कौन करता है। फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। मार्केट में बहुत सारी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कंपनीज है वो फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है, ठीक है। और फंड मैनेजर का जो वर्क होता है वो यही होता है कि आपकी जो एसेट्स हैं, मतलब रिलेटेड टू शेयर मार्केट, या आप LIC में इन्वेस्टमेंट करते हो तो LIC में भी यही होता है कि आपका जो फंड होता है उसको अलग अलग पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है, उसी बेसिस पे आपका पैसा अप एंड डाउन होता है। जैसा कि आप कभी भी आपके पास में LIC एजेंट आता होगा तो आपको ये बोलता होगा कि आप ये वाला प्लान ले लीजिए। उन प्लान्स में फ्रेंड्स यही होता है, अलग अलग डिवाइडेशन होता है कि अगर आप ये वाला प्लान लोगे तो आपका जो पैसा है वो कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम या हम ये कह सकते हैं कि फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, एक कंपनी को ऊपर या नीचे ले जाने में, क्योंकि वो सारे फंडामेंटल्स को एनालिसिस करके ये कंक्लूजन निकालता है कि आपने जिस भी कंपनी में शेयर्स लगा रखे हैं वो कंपनी फ्यूचर में उसका क्या रिजल्ट रहेगा, क्वार्टर रिजल्ट क्या रहेगा, एनुअल रिजल्ट क्या रहेगा, उसकी उसके पास वर्किंग कैपिटल कितनी है, ठीक है, उसके पास एसेट्स कितनी है, उसके पास लाइबिलिटीज कितनी है। तो ये जब जो भी टॉपिक्स रहते हैं उनको ये फंड मैनेजर मैनेज करता है, ठीक है। तो ये फंड मैनेजर का वर्क होता है फ्रेंड्स। अब बात आती है कि फंड मैनेजर, जैसा कि मैंने इसमें दिखा रखा है, फंड मैनेजर इज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत सारी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कंपनियाँ होती है, ये छोटे शहरों में काफ़ी कम होती है, बट जो मेट्रो सिटीज होती है वहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फंड मैनेजर का काम यही होता है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है वो, एक रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, तो आपकी जो एसेट्स होती है उसको मैनेज करता है, ठीक है, रिलेटेड टू शेयर मार्केट, रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। अब आता है फ्रेंड्स सेकंड टॉपिक, इसमें फंड मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली मैनेजिंग द इन्वेस्टमेंट बट आल्सो द प्रोवाइडिंग दियर क्लाइंट। मतलब ये आपका सिर्फ फंड
मैनेज करने से रिलेटेड ही वर्क नहीं होता है इसका, ये फ्रेंड्स अपने क्लाइंट के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जैसे क्लाइंट को किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको सजेस्ट करता है या उसको गाइड करता है प्रॉपर कि आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट ना करके इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। या म्यूचुअल फंड के बहुत सारे प्लान्स होते हैं, जैसे HDFC के प्लान हो गए, ICICI बैंक के प्लान हो गए, ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्लान हो गए, इन सभी ने अपने अपने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स मार्केट में पब्लिश किए हुए होते हैं। तो उन फंड्स के बारे में ये प्रॉपर गाइड करता है कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने में आपको कितना प्रॉफिट होगा 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में। तो ये सबसे बड़ा काम इसका ये होता है। तीसरा फ्रेंड्स आता है टॉपिक टू बी द सक्सेसफुल फंड मैनेजर आर एस्पायरिंग कैंडिडेट हैज टू बी डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग। मतलब एक सक्सेसफुल फंड मैनेजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसको इस बारे में पता होता है कि मार्केट में कौन कौन से फंड अभी रनिंग में हैं और किस फंड में इन्वेस्टमेंट करने में आपका पैसा डबल होगा, और वो काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होता है तभी उसको इन चीज़ों के बारे में पता होता है कि कौन कौन से फंड कौन कौन से शेयर्स हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे उसमें आपको इन्वेस्टमेंट। मतलब आप एक बात ये समझ लीजिए कि एक जो बड़ी कंपनी होती है उसका सारा जो मैनेज करता है वो फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करता है वो होता है फंड मैनेजर। ठीक है, कंपनी के पास में एसेट्स है, सपोज 1 लाख करोड़ की एसेट्स है, या उसने इक्विटी शेयर मार्केट में इशू कर रखा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो बैंक निफ्टी है टॉप 10 बैंक निफ्टी, ठीक है, उसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाली कंपनियाँ कौन सी है HDFC और ICICI बैंक। ठीक है, तो HDFC ICICI बैंक का इतना बड़ा मार्केट कैप है, उस कैप को मैनेज करने के लिए उन्होंने फंड मैनेजर अपॉइंट किए हुए हैं। क्योंकि अगर आप सपोज करिए कि कंपनी का वेटेज 30% मार्केट में है, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइज 30% है, तो उस 30% को मैनेज करने के लिए आप बैंक एक पर्सनली एक सेगमेंट बनाता है, पर्सनली एक डिपार्टमेंट वो बनाता है, उस डिपार्टमेंट में फंड मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं। वो फंड मैनेजर प्रॉपर उसी बात पे फोकस रखते हैं कि कौन सा शेयर अप में जाने वाला है, कौन से डाउन में जाने वाला है, और कौन कौन से म्यूचुअल फंड में हमको इन्वेस्टमेंट करने से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब आ जाता है फ्रेंड्स हाउ टू बिकम ए फंड मैनेजर। अब आप फंड मैनेजर कैसे बन सकते हैं? तो फंड मैनेजर नॉर्मल मैं आपको बताना चाहूँ, जो भी पर्सन 11 और 12 बैकग्राउंड से है वो फंड मैनेजर बन सकता है कॉमर्स बैकग्राउंड से। मतलब आपको 11 12th में कॉमर्स लेनी है, 12th के बाद बीकॉम के बाद MBA इन फाइनेंस, उसके बाद आप फंड मैनेजर इजी वे में फंड मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से कोर्सेज इनको यूज़ करके आप फंड मैनेजर बन सकते हैं? तो सबसे पहला कोर्स आता है फ्रेंड्स वो है डिप्लोमा इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ये कोर्स होता है 10+2 के बाद, इसको करके भी आप फंड मैनेजर बन सकते हैं। दूसरा कोर्स आता है एडवांस डिप्लोमा इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का कोर्स करके आप फंड मैनेजर बन सकते हैं। तीसरा फ्रेंड्स आता है बीकॉम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, मतलब आप बीकॉम में फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का कोर्स करके भी फंड मैनेजर बन सकते हैं। चौथा आता है BBM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक प्राइवेट कोर्स होता है, जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है वो ये करवाती नहीं है, आपको ये प्राइवेट कॉलेज से करना रहेगा। ठीक है, BBM, और उसके बाद में आता है MBA फाइनेंस। ठीक है, MBA फाइनेंस करके भी आप फंड मैनेजर बन सकते हैं। अब आ जाती है फ्रेंड्स की ऑल इंडिया में कितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज काम कर रही है। तो जैसा कि मैंने चार्ट में दिखा रखा है कि देयर आर 33 म्यूचुअल फंड कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, तो अभी जो इंडिया का सिनारियो है उसमें 33 म्यूचुअल फंड कंपनीज वर्क कर रही है। ठीक है, जिनका मार्केट है 470.04 बिलियन। तो अब आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड का मार्केट कितना बड़ा है, और फंड मैनेजर यही म्यूचुअल फंड कंपनीज अपॉइंट करती है, क्योंकि आपकी जो रिस्क होती है उसको कम करने के लिए फंड मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में कोई भी SIP लेते हैं, तो SIP क्या होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आपने SIP में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो SIP का जो पैसा होता है वो शेयर मार्केट में ही लगता है।
ठीक है, तो बेसिकली फंड मैनेजर का काम यही होता है, ठीक है, उस रिस्क को मैनेज करना। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ये जो 5 कोर्स हैं इनको करके आप फंड मैनेजर बन सकते हैं, बट उसके अलावा भी काफ़ी अच्छे कोर्स हैं, सी ए सी एफ ए और MBA फाइनेंस। ठीक है, ये जब ग्रेजुएशन के बाद के सारे कोर्स हैं, आप सी ए सी एफ ए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और MBA फाइनेंस, ये सब करके भी आप फंड मैनेजर बन सकते हैं। अब आती है फ्रेंड सैलरी के बारे में बात, कि सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ आपको नीचे स्टेज पे नहीं मिलती है। जैसा कि आप फंड मैनेजर बन जाते हैं, जैसे सपोज आपने 12th करके BCom प्लस MBA फाइनेंस प्लस आपने फंड मैनेजर का कोर्स कर लिया, ठीक है, तो अब आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज में अगर जॉब मिलती है तो इनिशियल स्टेज पर आपको इतना अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, बट इनिशियल स्टेज पर आपको 50 50K इजी में मिल जाएंगे, और धीरे धीरे जैसे आप ग्रोथ करेंगे, जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, उस बेसिस पर आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो एक फंड मैनेजर बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंदर, और एक कोई भी कंपनी हो उसको अपना फंड मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर को अपॉइंट करना ही पड़ता है। तो कंपनी की ग्रोथ में फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है फ्रेंड्स। और आप जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के बंदे हैं वो फंड मैनेजर बन सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। कुछ समय के बाद जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो आप 10 लाख पर मंथ की इनकम भी कर सकते हैं। ठीक है, 10 लाख पर मंथ किसे बोलते हैं, और इसके जो बेनिफिट्स है इंडिया में नहीं, अब्रॉड में भी आप ये फंड मैनेजर का वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है फ्रेंड्स फंड मैनेजर का। आज मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज़ फंड मैनेजर, ठीक है, और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा फ्रेंड्स, उसमें मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आऊँगा MBA इन फॉरेन कंट्रीज, मतलब जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है उनमें आप MBA किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आप वहाँ पे किस एजुकेशन के बाद वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, वो सब मैं आपके लिए ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।